योग नगरी ऋषिकेश, जहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग एकांत और शांत माहौल की तलाश में पहुंचते हैं। आज उसी योग नगरी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। योग नगरी ऋषिकेश से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ऋषिकेश के वीरभद्र रेलवे स्टेशन पर स्टेशन के गार्ड को एक युवती बेहोशी की हालत में मिली। युवती ने कुछ नशीले पदार्थ का सेवन किया था। होश में आने पर पूछताछ करने पर युवती ने बताया कि उसके साथ रेलवे स्टेशन पर ही रात में कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। युवती उत्तर प्रदेश रामपुर की रहने वाली है, जो कि बीए फाइनल की स्टूडेंट है। उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। युवती का कहना है कि रात में उसे कुछ युवक नशीला पदार्थ खिलाकर यहां लाए, जिसके बाद उसके साथ गैंग रेप किया गया। दरअसल अभी आधे घंटे पहले एक सूचना आई थी स्टेशन मास्टर वीरभद्र की तरफ से कि एक महिला जो कि मूर्छित, लगभग अर्ध मूर्छित या नशे की हालत में है और यहाँ पर काफी देर से देखी जा रही, लगभग एक डेढ़ घंटे से। तो इस पर हम क्विक यहाँ पर पहुंचे हैं, तो महिला से बात करने की कोशिश की है। उन्होंने अपना माताजी का नंबर दिया घर का, तो उनकी माताजी से बात हुई थी हमारी फोन पे, तो उन्होंने बताया कि ये थोड़ा सा दिमागी रूप से थोड़ा अस्वस्थ है, जिनका कि रामपुर में इलाज चल रहा है। वहीं युवती के साथ गैंगरेप पर उत्तराखंड महिला आयोग ने कदम उठाते हुए देहरादून एसएसपी को महिला की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। देवों की भूमि में भी अब दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आ रही है। योग नगरी में हुए गैंगरेप की घटना से सभी सहम गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर जब ये घटनाएं घट रही होती हैं, तो प्रशासन कहां सोया रहता है। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए ऋषिकेश से बसंत कश्यप की रिपोर्ट।